हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रोबेबिलिटी टॉपिक को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि 0 नंबर से लेके 5 नंबर तक डिजिट्स दिए, तो हमने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। सैम्पल स्पेस में आएगा नंबर ऑफ एस एड इक्वल्स टू 6। सो इवेंट डे में बोला हुआ है नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। तो हम लोग ने देखो लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से देखकर ही आपको लिखना है। सो ईजी है। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 होगा, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मीन्स होगा 5/6। जो नंबर ऑफ ए है 5 है एंड नंबर ऑफ एस इज 6। उसके बाद सेकेंड वन बोला हुआ है इवेंट बी में नंबर लेस देन 1। लेस देन 1 क्या है सर? 1 से कम क्या है? सिर्फ 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू आएगा 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, इट मीन्स 1/6। उसके बाद बोला हुआ है इवेंट सी। इवेंट सी में क्या बोला? होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं, मतलब सभी नंबर्स आ जाएंगे सर। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी नंबर्स को लिख दिया, इट मीन्स नंबर ऑफ सी भी कितना हो जाएगा? 6। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी सी क्या आएगा? नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, सो 6/6, 6 × 6, 6 × 6, 6। तो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी 1। और हमें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम होती है। प्रोबेबिलिटी इज नेवर ग्रेटर देन 1। इवेंट डी में बोला नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 सर, 5 से ज्यादा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर कोई नहीं है। सो हम लोग का सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का सेट हो जाएगा एम्प्टी। सो नंबर ऑफ डी इज इक्वल्स टू आएगा 0। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0/6। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी डी इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है? 3 रेड बॉल्स है, 3 व्हाइट बॉल्स है एंड 3 ग्रीन बॉल्स है। तो हमारा सैंपल स्पेस आएगा 3 रेड, 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन। इट मीन्स नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू आएगा 6। इट मीन्स इवेंट इज इक्वल्स टू बॉल इज रेड। हमें बोला है कि बॉल कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो रेड बॉल्स कितने हैं सर? 3 रेड है। सो यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ए में 3 रेड बॉल्स, सो नंबर ऑफ ए ऑल्सो 3। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए क्या आएगी? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, सो 3/9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, सो आंसर इज 1/3। नेक्स्ट वन इवेंट बी, बॉल इज नॉट रेड, रेड नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या सर? व्हाइट एंड ग्रीन, व्हाइट एंड ग्रीन। सो लिखेंगे 3 white + 3 green, सो 3 + 3 कितना होगा? 6। सो 6 आएगा नंबर ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू आएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, सो 6/9, इट मीन्स 2।